सितंबर में भारत के महत्वाकांक्षी चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर के मलबे को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ढूंढ निकाला है। जी हां, नासा ने मंगलवार सुबह अपने ल्यूनर रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर से ली गई एक तस्वीर जारी की है, जिसमें विक्रम लैंडर से प्रभावित स्थान दिखाई दे रहा है। जी हां, नासा ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर मिल गया है। वहीं तस्वीर में नीले और हरे डॉट्स के जरिए विक्रम लैंडर के मलबे वाला क्षेत्र दिखाया गया है। बयान में नासा ने कहा है कि उसने 26 सितंबर को क्रैश साइट की एक तस्वीर जारी की थी और लोगों को विक्रम लैंडर के संकेतों की खोज करने के लिए बुलाया था। जी हां, चेन्नई के कंप्यूटर प्रोग्रामर और मैकेनिकल इंजीनियर शनमुख सुब्रमण्यम ने मलबे की सकारात्मक पहचान के साथ LRO परियोजना से संपर्क किया, जिसके बाद LORC की टीम ने पहले और बाद की छवियां की तुलना करके लैंडर साइट की पहचान की पुष्टि की। वहीं शनमुगा ने क्रैश साइट के उत्तर पश्चिम में लगभग 750 मीटर की दूरी पर स्थित मलबे की पहचान की। यह पहले मोजेक पिक्सल 84 डिग्री घटना की स्पष्ट तस्वीर थी। वहीं नवंबर मोजेक में इंपैक्ट क्रिएटर रे और व्यापक मलबा क्षेत्र को अच्छी तरह से दिख रहा है। मलबे के तीन सबसे बड़े टुकड़े 2 और 2 पिक्सल के हैं। जी हां, चंद्रयान 2 की विक्रम लैंडर का मलबे को ढूंढने से सबसे बड़ी भूमिका चेन्नई के एक इंजीनियर ने निभाई है। वहीं शनमुगा सुब्रमण्यम ने नासा की तस्वीरों का इस्तेमाल करते हुए विक्रम लैंडर के मलबे को ढूंढ निकाला। वहीं आपको यह भी बता दें कि चंद्रमा की सतह से टकराने के बाद से विक्रम लैंडर का संपर्क इसरो से टूट चुका है। शनमुगा सुब्रमण्यम एक मैकेनिकल इंजीनियर और कंप्यूटर प्रोग्रामर है जो लेनोक्स इंडिया टेक्नोलॉजी सेंटर चेन्नई में काम करते हैं। वहीं मदुरई के रहने वाले शनमुगा इससे पहले कॉग्निजेंट में प्रोग्राम एनालिस्ट के तौर पर भी काम कर चुके हैं। जी हां, उन्होंने नासा के मून लूनर रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर द्वारा 17 सितंबर, 14 से 15 अक्टूबर और 11 नवंबर को ली गई तस्वीरों का हफ्ता तक अध्ययन किया और मलबे की पहचान कर ली। वहीं अक्टूबर में नासा ने बयान जारी करके बताया था कि उनके ऑर्बिटर से मिले ताजा फोटो में चंद्रयान 2 के लैंडर का पता नहीं चला है। नासा ने कहा था कि हो सकता है जिस समय हमारे ऑर्बिटर ने तस्वीर ली उस समय लैंडर किसी छाया में छिप गया हो। वहीं नासा की एक परियोजना के वैज्ञानिक ने बताया था कि हमारे ऑर्बिटर ने 14 अक्टूबर को चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडिंग साइट की फोटो ली थी, लेकिन वहां हमें ऐसी कोई नहीं मिली जिसमें विक्रम लैंडर 2 को देखा जा सके। जी हां, आपको बता दें कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर ने सॉफ्ट की बजाय हार्ड लैंडिंग की थी, जिसके कारण उसका इसरो से संपर्क टूट चुका था। अक्टूबर में नासा ने बयान जारी करके बताया था कि उनके ऑर्बिटर से मिले ताजा फोटो में चंद्रयान 2 के लैंडर का पता नहीं चला है। वहीं नासा ने कहा था कि हो सकता है जिस समय हमारे ऑर्बिटर ने तस्वीर ली उस समय लैंडर किसी छाया में छिप गया हो। वहीं नासा के एक परियोजना वैज्ञानिक ने बताया था कि हमारे ऑर्बिटर ने 14 अक्टूबर को चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडिंग साइट की फोटो ली थी, लेकिन वहां हमें ऐसी कोई तस्वीर नहीं मिली जिसमें विक्रम लैंडर को देखा जा सके। आपको बता दें कि दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर ने सॉफ्ट की बजाय हार्ड लैंडिंग की थी, जिसके कारण उसका इसरो से संपर्क टूट गया था। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।